जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता।